पर्सन कुछ डाला है, चार्जेस डाला है इसको, ये हमारा जितना मेंबर्स है बताया गया है। मेरा कहने का जो आज आप सबका सामने जो बताने का जो ये है, हमको 8 तारीख को एक तो सौ कुछ नोटिस आया रिगार्डिंग हमारा, ये डिटेल्स को तो हम नहीं बता पाएगा क्योंकि ये डिटेल्स जो है हमारा स्पोक पर्सन जो हमारा ये से मेरा नाम से लेकर कि प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंस भी भेज चुका है, इसको क्लियरफाइड दे चुका है, लेकिन इसका हम थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट में आपका रेफरेंस लेते हुए लेगा। ये हमने 8 तारीख को मिला, 8 तारीख का इवनिंग को हम क्लियर फाइट किया, ये हमारा क्लियर फाइट वाला जो ये है हमारा स्पोक पर्सन है, और जो ये है युवराज दचक जो एक्शन कमेटी है वो कुछ आर्टिकल्स बना के ये दिया गया है, ये राइट हैंड वाला जो, और इसी जो जो हमको जो इल्जाम डाला है और हमको क्वेश्चन पूछा है, इसको हमने तुरंत ही 8 तारीख को मिलने का बाद तो 8 तारीख का इवनिंग को हम ये रिप्लाई दे चुके हैं। तो ये रिप्लाई देने का बाद फिर आज 9 तारीख को ऐसे एक खबर आया कि हमारा जो सोकोस नोटिस है इसको रिप्लाई नहीं किया गया है, तो इसलिए हम मेरा कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर के साथ बैठ के हम आपको आज से अबोटनिक प्लान ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट से एक्सप्लेन करता है, इम्पीचमेंट करता है बोल के अनाउंस किया है। मेरा कहना है जो बायलो जो है, यहाँ बायलो है, तो बायलो में आज का डेट तक हम लोग फाइनल जो टू टच बोल के या कुछ करना है, ये तो रजिस्टर के लिए हम लोग जस्ट लाम नेम एम्पैम के लिए बनाया गया था, और इसको फाइनल अमेंडमेंट करना है बोल के भी हम लोग ने लास्ट 8 मई 2018 को हम लोग ने मीटिंग भी कर चुका है, क्योंकि ओल्ड सीबीओस को भी हम लोग डिस्कस करके सीनियर सिटीजन एंड लाइक माइंडेड एंड इंक्लूडिंग और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सभी का विचार को लेके इसमें बनाना है, क्योंकि आज हम लोग है कल कोई ना कोई तो चला गई है, तो इसलिए ये बायलो जो मैटर करता है तो इसका बॉन्डिंग टकरा होना है, तो इसलिए यहाँ कोई भी कोना में ये नहीं है कि ये बायलो से आप अपना प्रेसिडेंट को एक्शन कमेटी जो है शो केस नोटिस दे सकता है, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा कि अपना प्रेसिडेंट को ही शो केस नोटिस देता है होगा, अच्छा वे में जाना चाहिए बोल के हम लोग ने उसका शो केस नोटिस को हम लोग ने रिप्लाई किया है 8 तारीख के 11:18 में। तो रिप्लाई करने का ये रीजन ये था कि आप हमको इतना जो एलिगेशन डालता है, नंबर वन एलिगेशन तो आप अकाउंट ट्रांसपेरेंट नहीं होता है बोलता है, ठीक है अकाउंट ट्रांसपेरेंट कौन सा दुनिया में आज का डेट तक बिना ऑडिट करते हुए कहीं आप किसको दोषी नहीं दे सकता है, या छोटा छोटा हम बहुत काफी ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग का आपका क्रिसमस ऑर्गेनाइज करता है या कोई बहुत कुछ यूथ कैंपर में भी ऑर्गेनाइज करता है, हर चीज का एक ऑडिट होता है, ऑडिट होने का बाद तभी आपको पता होगा कि वो लीडर जो है ऑर्गेनाइजर चेयरमैन सेक्रेटरी कितना 1-2 रुपया काया नहीं काया कैसे हुआ, अगर काया भी है उसका भी कुछ जगह होता होगा, इसको कहाँ हम लोग फ्लैपिंग करना है, कैसे करके इसको मौका देना है कि नहीं देना है, ओल्ड एग्जीक्यूटिव मेंबर जो डिसाइड करता है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग से एक रूप रंग बदल के लाया कि जो हमने 100 क्वेश्चन को हम रिप्लाई करने का बाद 20 नवंबर को हम लोग ने जो आने वाला में मीटिंग रखा है ऑडिट का डिसीजन रखा है कि आप लोग जो भी हो दिल का बात को वहां रखिए, अगर हमसे जितना भी आप जो इल्जाम डालता है या हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी का ऊपर में भी वो डाला हुआ है, हम तो सच्चा मन से
अब आज का दिन भी हम विश्वास करते हैं कि पेमा खांडू जी का जो नेतृत्व में जो 3 लाख रुपए जो डोनेट किया ये बहुत बड़ा काम है। अब हमारा लामतासी साहब को भी बोला था ये 10 लाख हो सकता है, आज हम बहुत संघर्ष में है, तकलीफ में है, ये आप 10 करोड़ का वैल्यू में हम गिना जाएगा। हम तो क्लियर कर जो भी हो मेरा सीनियर्स हमको खराब नहीं पाना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना परिवार में एक इतना गंदा है। हम बार बार और सबको एक साथ होके ओपन टू ऑल हम लोग डिबेट करता है, राउंड टेबल बैठ के हम लोग एक दूसरे को मिल के बात करता है। मेरा गलती भी हो सकता है, हम इंसान है, गलती नहीं होगा ऐसे हम नहीं बोल सकते, जरूर हमारा में भी गलती हो सकता है, लेकिन गलती हुआ एक तरीका नहीं है कि आप कहीं बाथरूम में चुपके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठिए या वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठिए। अगर आप हिम्मत है तो सामने सब राउंड टेबल बैठ के तो आप ओपन टेबल आप डिबेट कीजिए ना, बात कीजिए, कहीं आप चुप करके सिर्फ सोशल मीडिया में आप किसी को इल्जाम डालने से नहीं होता है ना। हम तो शैतान तो नहीं है, मेरा घर मुक्तू में है, एनी टाइम हम आ सकता है, हमको डिबेट कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। आप गाली भी देते हैं देव, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने के नाते हम आपका इसको हजम कर लेगा ना, सुन सकता है, लेकिन आप गलत वजह से नहीं, जो एविडेंस का साथ हमको गाली दो मानेगा। तो इसलिए हमारा जितना सीनियर ऑफिसर लीडर्स खराब नहीं पाना, मैं जो हमको फाइनेंशियल डे में सपोर्ट किया इसका मैं अभी डिटेल्स आपका सामने रीड आउट कर दूंगा। नंबर वन मिलान क्रिया विभाग ने 5,000 रुपीज मदद किया, इसको हम लास्ट फाउंडेशन डे में पासीगढ़ में भी अनाउंस कर दिया हमारा कंप्यूटर राणा बोनी साहब को। सेकेंड में अचित तामियो तागा मिनिस्टर, वो 50,000 मदद किया। एक एक शब्द आप लोग याद कीजिए, और यहां से अगर बाहर कहीं भी हम चुपके भी लिया कुछ भी किया होने से तब तो हमको बताओ, तब तो हम आप क्या हमको एडवाइस करेगा, मैं खुद ब खुद हम ये करेगा रिजिग्नेशन दूंगा। जब सच्चाई से काम करने के लिए जब उतर के आता है कोऑर्डिनेट की बजाय सपोर्टिंग देने की बजाय आप ऐसे किसी को क्रम नहीं कर सकता है। मैं अचित तामियो तागा का बाद गुम तांग मैडम 50,000, अचित तकम संजय साहब 1 लाख रुपीज, कप्पा बिंगिया साहब 10,000, टिची कासो साहब 25,000, जरकर गामले साहब 1 लाख, तमर मरताम साहब 50,000, यमला माचुंग आईमा प्रेसिडेंट 50,000, पाला बागे साहब 1 लाख, विदा तकू साहब 15,000, नगरम काली लॉटरी एक भोग लिया दो भोग लिया 20,000, उसका बाद रुबू टसर 15,000, और साथ में सबसे बड़ा बात तरह पहले हमने बोला हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यंग एंड डायनेमिक लीडर श्री पेमा खांडू जी ने उसका नेतृत्व में 10 लाख रुपया हम लोग को सपोर्ट किया, कोऑर्डिनेट किया। अब टानी का इस फाउंडेशन डे में मैं एज ए चीफ मिनिस्टर हम इसको कोऑर्डिनेट करना है, सपोर्ट करना है बोल के वो सपोर्ट किया, टोटल हो गया। तो ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया 15,75,000। पेमा साहब का जो 10 लाख को भी लेके और जो इलेक्टेड लीडर्स जो बिजनेस कम्युनिटीज का जो सपोर्टिंग को लेके 15,75,000 से कोई इतना बड़ा इवेंट को सक्सेसफुल करा सकता है, पहले सोचना है। यह हमको आने देना नहीं चाहिए था, अगर हम लोग का अंदर में ही बात करता है ये सारा चीज जो खत्म होता है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन का कैप्टन होने के नाते बहुत हर चीज को हेडिक लेना पड़ता है। हेडिक लेने के बाद हमने क्या किया कि इससे नहीं होता है तो हम कुछ मैनेज करना है बोल के हमने मुरी राजन साहब से 15 लाख का लोन लिया।
लोन का एविडेंस भी यहाँ है, ये आप लोग देख सकता है। और यह ये आदमी को आप लोग संपर्क भी कर सकता है, कोई भी ये है। तो ये 15 लाख लेके इसको एडिशनल ये बॉन्ड के अंदर फिर 15 लाख देना, टोटल मिलाकर 30 लाख हम रिटर्न करना है फाउंडेशन डे सक्सेसफुल करने के। जब हेड ऑफ फैमिली होने के नाते जब ऑर्गेनाइज किया तो हम हेडिंग नहीं लेगा तो कौन लेगा। तो इसलिए इतना तक जब अपना बेटा बेटी को पढ़ा रहा लिखा रहा जैसा जिस ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेट करके इतना मैनेजमेंट करने का बात भी मेरा ऊपर में उठता है, उंगली उठता है। जब ये उंगली उठता है हम ये लगता है कि कहीं उन लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, जो भी हो हम लोग एक साथ बैठ के हम लोग बात करना चाहिए, मिल के बैठना चाहिए, उनका मीटिंग फिक्स किया, फिर भी नहीं आने का बाद उल्टा वो हमको इतना डिस्टिंग्विश करता है कि हम लोग 5-6 मेंबर्स बैठ के आपको एमपीस के आपको ऑर्डर करता है। अरे भाई आउटनिक क्लान ऑर्गेनाइजेशन में या तुम्हारा नहीं है या हमारा तैयार का नहीं है, ये सारा हमारा एक छोटा सा गलती से अभी कितना ये हमारा क्लान हमारा 5-6 ट्रब जो है शर्म से झुक रहा है। या मेरा इन मेच्योरिटी से होगा या तुम्हारा इन मेच्योरिटी से हो रहा होगा कि ये हम सब ये तानी क्लान ऑर्गेनाइजेशन को झुकना पड़ने दे रहा है, झुकने दे रहा है। और आपका हाई लेवल कौन है? हम तो हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को ये जो दिया इसको भी मैं बता रहा हूं यार, नो गुड। ऑनरेबल सीएम को भी मिलके पूछिए या तया आपको मिलके या करोड़ लिया ना हजार लिया कितना लिया, वहां जाके ऑडिट करो सर को। और जब यहाँ ये हमको बोलते हैं कि अकेला 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 कैसे जाएगा, अकेला अकेला तोरी ना ऑर्गेनाइजेशन होता है। सारा ये जितना इल्जाम जो डालता है सबको अलग अलग से अलग अलग से टीम बनाया गया, ऑफिसर टीम्स, एमएलएस टीम्स, बिजनेस कम्युनिटी टीम्स, सारा टीम अलग अलग से बना, खुद कोऑर्डिनेट नहीं कर पाके, एक रुपया भी आज का डेट तक 10 पैसा भी जमा नहीं दे सके, तुम दूसरा को उंगली उठाता है। या अभी बोले फाइनेंस सेक्रेटरी या कोई ऑर्गेनाइजर वाइस चेयरमैन या कोई भी एक्सवाइजेड मेंबर्स बोलो कि हमारा तैयार तुमको मैं इतना लाख दिया था वो पैसा का हिसाब मुझे दो, बोलो हिम्मत है तो बोलो। या तुम ये आदमी से इतना लाख करोड़ लिया वो पैसा का हिसाब अभी दिखाओ बोलो। अरे भाई क्या बात करता है आप आदमी का, जब रियलिटी को करीब से जानने का बाद भी तुम क्यों मजा उड़ाते हैं? और अपना आपसे या हमको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता है तो किसी ना किसी का एंगल से आप कॉन्टेक्ट करके हमारा तक पहुंचिए, आज भी मौका देता है या कल से 24 घंटे तक मौका रहता है, नहीं होता है आपका सारा का सारा जो भी मेरा एगेंस्ट में जो मॉब किया सारा का सारा को हम पूरा टर्मिनेट कर देंगे एज पर बायलो के जरिए, एक को भी नहीं बचा जाएगा। और साथ में ये सारा चीज किस लिए करेगा बोलने से, ऑल द 14 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है इसको हम लोग इंक्लूड कर रहा है, इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा आगे पीछे है और 12-12 डिस्ट्रिक्ट का भी आप मीडिया का सामने में पेश करेगा, वो किसको प्रेसिडेंट चाहता है नहीं चाहता है। और सेकेंड आप तनी दे फाउंडेशन डे कॉम तनी फेस्टिवल सेलिब्रेशन पासीघाट में हुआ, तो ये डोनेशन का बात में थोड़ा बोलना चाहूँगा। डोनेशन जो कलेक्शन हुआ लेकिन हम लोग को पता नहीं चला कहाँ कहाँ से वो होता है, लेकिन हम लोग जरूर गया साथ जहाँ पे एप्पल लीटर दिया ऐसे करके हम लोग बहुत उसका साथ में था। और ये उसका साथ में आज ये एक आया है कि पोलो कॉलोनी का जो प्रेसिडेंट नरम दादी जी को वो जॉइंट सेक्रेटरी का रूप में वो अपॉइंटमेंट करने के लिए बात था, एक्चुअली वो बात अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उसका सहयोग लेके बहुत ऑफिसर वेल विशर जो अबू तनी को मदद करना था उसको जाके बहुत लिया, कलेक्शन हुआ उसको भी पता नहीं है।
तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज ये डोनेशन तचक सर आप कलेक्शन किया तो किया तो अबू तनी का नाम में किया वो अच्छा हुआ, लेकिन ये डोनेशन अबू तनी क्लैन ऑर्गेनाइजेशन आपको का अकाउंट में आया नहीं है। आप उसको पैसा कहा गया, कहा में मिसयूज हुआ, उसको मैं आपको क्वेश्चन एराइज करना चाह रहा हूँ। और लेकिन अबू तनी फाउंडेशन में पासीघाट में जो हुआ इसमें हमारा एग्जीक्यूटिव में कोई भी ये लॉटरी घोषित करने का कोई मकसद नहीं था। अबू तनी क्लैन ऑर्गेनाइजेशन का नाम में जो लॉटरी बनाने के लिए जो शॉर्ट पीरियड में जो लाया गया 3 महीना में, तो उसको लाने वाला यही था श्री तपारो जी, उस समय में 22 प्रेसिडेंट था और जोरम बीडा फाइनेंस सेक्रेटरी था उस समय में, ये लास्ट अक्टूबर में 2018। तो वो दोनों ने फाइनल किया है कि ये सेकंड अबू तनी फाउंडेशन डे में लॉटरी होना है। दोनों फाइनल किया, प्रसिद्धिन साहब यमरा तया को कन्वेन कर लिया और बाकी एग्जीक्यूटिव कोई अता पता नहीं। भले वो पास होके तो सबका सामने में बोला तो हम चौथा एग्जीक्यूटिव क्या कर सकेगा, बड़ा लोग जो फाइनल हो गया, तो हम नहीं चाहते हुए भी हम एग्जीक्यूटिव लोग नहीं चाहते हुए भी ठीक है मान ही लिया उसमें। तो इसमें फिर से फिर वो घोषित हो गया लॉटरी होना है बोलकर, फिर उसमें लॉटरी के लिए एक कमिटी गठन किया। उस गठन में फिर से तपारो जी को लॉटरी का चेयरमैन बनाया गया और जोरम बीडा को लॉटरी का सेक्रेटरी बनाया गया। मुझे उसमें एक कलेक्टर का रूप में मुझे बनाया गया। बस उसके बाद फिर लास्ट 10 अक्टूबर 2018 उस दिन में लॉटरी चेयरमैन श्री तपारो जी और लॉटरी सेक्रेटरी जोरम बीडा ने सरेंडर लेटर दे दिया, लॉटरी को हम नहीं सकेगा बोलकर सरेंडर प्रसिद्धिन को दे दिया। तो अब देने का बाद हमारा एग्जीक्यूटिव में बहुत समस्या आ गया, प्रॉब्लम है। अब हम फाउंडेशन डे मनाएगा ना लॉटरी के लिए करना है, प्रॉब्लम आ गया। तभी भी हमारा प्रसिद्धिन यमरा तया ने हिम्मत नहीं हारते हुए इस कदम को रखा। तो इसमें हमारा लॉटरी आगे बढ़ना है, अबू तनी का नाम खराब नहीं होना है। लॉटरी का वजह से हमारा अबू तनी का नाम खराब हो सकता है बोलकर हमारा प्रसिद्ध यमरा तया ने उसको फिर से उसको लॉटरी होना है, जैसे भी चाहे उसका वो अपनी अपना जो जितना भी प्रॉपर्टी हो जिसको भी आप डर के और लॉटरी को कराना है, 5-6 करन को गलत में और उसका जो इज्जत नहीं जाना है बोलकर उसने कदम उठाया। हम एग्जीक्यूटिव साथ दिया उसको, आज साथ देते हुए भी उस समय का जो साथ दिया आज कहाँ में है वो लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, कहा 1-2 प्रति आपको को गलत नजर बनाने जा रहा है। तो फिर वो चेयरमैन सेक्रेटरी लॉटरी का जो रिजोल्यूशन उसका देने का बाद सरेंडर देने का बाद मैं एक कलेक्टर का नाते है मैंने एक नोटिस जारी किया 16 अक्टूबर 2018 कि जितने एग्जीक्यूटिव है डिस्ट्रिक्ट जो लॉटरी शेयरर लोग है आप लोग 20 अक्टूबर में आप लोग डिपॉजिट कीजिए कंट्रोल फाइल प्लस अनसोल्ड सोल्ड बुकलेट वापस करने के लिए, क्योंकि हमारा लॉटरी ड्रॉ डे 28 को ही है। तो मैंने नोटिस जारी किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। तो मैंने फिर अभी रिस्पांस नहीं होने का वजह से अब किसका हाथ में लॉटरी बुकलेट है अभी मैं एक एक लिस्ट में हूँ जो यहाँ में, तो वो लॉटरी का बुकलेट है जिसका पास में मैं अभी बताना जा रहा हूं वो है नंबर 1 तपारो जे जो चेयरमैन था लॉटरी का जो सरेंडर दिया उसका पास में 20 बुकलेट्स है, 20 बुकलेट्स में आपका 2 लाख होता है। और सेकंड जोरम बीडा का हाथ में 50 बुकलेट्स है अभी तक नहीं दिया, वो कैलकुलेशन वन से 5 लाख का होता है। फिर अभी जो एक्शन कमिटी बोल रहा है यहाँ में मीडिया में जो आ रहा है युरा तचक कभी देखा नहीं है लेकिन ऐसा आ रहा है उसका हाथ में 10 बुकलेट है
उसका पैसा का हिसाब में उसका 1 लाख होता है, उसका हाथ में अभी तक दिया नहीं है।